हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका अपना प्रैक्टिशन में वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बेड वेटिंग क्यों होती है, क्या रीज़न होते हैं, इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट है इसका और क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे ऐसा ना करें, और कौन से ऐसे डेंजर साइंस हैं जो अगर आपने बच्चों में देखे तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, सब जानेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, आगे डिस्कशन से पहले मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपका बच्चा 5 साल का है या उससे कम है और ये परेशानी है तो आप ये वीडियो यहीं पर स्किप कर सकते हैं, वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हैं, और अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है और ये परेशानी है तो बिल्कुल आगे की वीडियो आपके लिए है, उसे लास्ट ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपका बच्चा 7 साल से 15 साल के बीच का है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, 1 से 2% 15 साल तक के बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बेड वेटिंग पाई जाती है। तो अगर आपके बच्चे में ये परेशानी है तो आप ये मत समझिए कि मेरा बच्चा एकदम अलग है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा कोई अबनॉर्मल है, कोई दिक्कत है। आपका बच्चा अकेला नहीं है, 1% से 2% बच्चे ऐसे होते हैं, यानी 100 में 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 15 साल तक आते आते भी बेड में पेशाब करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इसकी क्या क्या वजह हो सकती है। सबसे पहली कॉमन वजह है वो डेवलपमेंटल डिले है। दूसरी जो वजह है वो ये है कि बच्चे का ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं आ पाया है, बहुत सारे रीजन उसके हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा यूरिन बनता है, जैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1, ये डिजीज़ जनरली बच्चों में पाई जाती है, और बच्चों में अगर ये होता है तो यूरिन ज़्यादा बनने की वजह से बच्चा रात में बार बार उठ नहीं पाता और यूरिन पास कर देता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कि रात में ज़्यादा यूरिन बनता है, जैसे कि रात में एडीज हार्मोन की कमी, वैसोप्रेसन की कमी, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। और एक चीज़ और देखी गई है, जेनेटिक कंडीशन। अगर माँ में या फादर में या किसी और में, जेनेटिक में, पेरेंट्स में इस तरह की चीज़ें अगर देखी गई, उन्होंने अपने बचपन में अगर इस तरह की चीज़ें की हैं तो यंग उनके बच्चे जो हैं उनमें भी ये चीज़ें देखी गई हैं, 10 to 20% केस में ऐसा देखा गया है। और एक चीज़ होती है ब्लैडर डिसफंक्शन, जिसमें कि ब्लैडर पे बच्चे का कंट्रोल नहीं रह जाता, जो कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे कि CP हुआ और या फिर मेनिन्जियोमायलोसील अगर हुआ या फिर स्पाइना बाइफिडा हुआ, तो उसमें भी ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट को हम यहाँ पे 3 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है जनरल मेजरमेंट। जनरल मेजरमेंट में हम वो चीज़ें बताते हैं जो हर बच्चे को करना है, 5 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं आप उनके नीचे वालों के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, और 5 साल से 7 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनके लिए हम मोटिवेशन थेरेपी प्रेफर करते हैं। मोटिवेशन थेरेपी देने के बाद भी अगर आपके बच्चे में ये चीज़ें हैं और 7 साल से ऊपर का हो गया है तो फिर हम वहाँ पर यूज़ करते हैं एक्टिव थेरेपी। तो एक ही करके आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल मेजरमेंट, आपको ये चीज़ें पता भी होंगी, आपने फॉलो भी किया होगा, बहुत ही सिंपल सी हैं। अपने बच्चों को रात में 5 बजे के बाद से कोई भी लिक्विड डाइट ज़्यादा मत दें। तो दिन भर का जो लिक्विड है बच्चे का कोटा है, चाहे वो मिल्क के फॉर्म में हो, चाहे वो वाटर के फॉर्म में हो, जूस के फॉर्म में हो, उसका सिर्फ less than 20% आपको 5 बजे के बाद देना है। सोने से पहले या रात में बच्चों को टी, कॉफ़ी, जूस या इस तरह की फ्रूटी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ बच्चों को नहीं देनी होती है। अपने बच्चों को हमेशा सोने से पहले यूरिन पास करने को बोलिए। इसके बाद हम बात करेंगे मोटिवेशन थेरेपी की। मोटिवेशन थेरेपी में आपको बच्चों को रिवॉर्ड देने हैं। 2 तरह के रिवॉर्ड आप दे सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में आपको करना ये है कि आपने इस तरह की एक टेबल बना ली, और जिस दिन भी बच्चा रात में ड्राई रहता है, यूरिन पास नहीं करता है, उस दिन आप बच्चों को एक स्टार दे सकते हैं, गुड दे सकते हैं, एक्सेलेंट दे सकते हैं, या फिर आप ट्रॉफी दे सकते हैं, या फिर रिवॉर्ड में आप कुछ पैसे दे सकते हैं, कुछ अमाउंट दे सकते हैं, ये स्मॉल रिवॉर्ड है। इसके बाद आप ये करिए कि जब अवार्ड इकट्ठा हो जाए, लार्ज हो जाए, 10 स्टार इकट्ठा हो गया, 10 गुड इकट्ठा हो गया, या 10 एक्सलेंट इकट्ठा हो गया, या 10 छोटे रिवॉर्ड इकट्ठा हो गया बच्चे के पास, तो एक साथ आप बड़ा रिवॉर्ड दे सकते हैं कि ठीक है आपने 10 दिन या 15 दिन या आप मंथ में इतने दिन आप ड्राई रहे, तो इसके बदले में हम आपको रिवॉर्ड के तौर पर आपको कोई बड़ा अमाउंट देंगे, या बड़ी चॉकलेट दे दी, या कोई गिफ्ट दे दिया, कोई टॉय दे दिया। इस तरह के रिवॉर्ड थेरेपी बहुत हेल्प करती है बच्चों को मोटिवेट करने में, और बच्चे खुद से कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ड्राई रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रातें उनकी ड्राई रहें। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिवॉर्ड थेरेपी का उल्टा काम करता है पनिशमेंट थेरेपी। अपने बच्चे को पनिश करना, मारना, पीटना, मुर्गा बना देना, डांटना और उसको एम्बेरस करना, उसको प्रताड़ित करना, ये सब चीज़ बिल्कुल छोड़ दें। इस चीज़ से आप बच्चे की ये आदत तो नहीं छुड़ा पाएंगे, लेकिन बच्चे की जो कॉन्फिडेंस है, जो उसका सेल्फ इस्टीम है, उसको आप बिल्कुल डाउन कर देंगे। आप बच्चों को एम्बेरस करवा देंगे लोगों के सामने, और वो हमेशा एक हीन भावना में घिरा रहेगा। ये हो सकता है कि बच्चों को कोई डिसऑर्डर हो सकता है कि ब्लैडर डिसफंक्शन हो सकता है, कुछ और जिसकी वजह से बच्चा ये कर रहा हो, आप उसको डांट रहे हैं, वो चीज़ें कर रहा है जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है।
आप उसको और डांट रहे हैं तो वो उसके अंदर एक और हीन भावना पैदा होती है कि आखिर मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमी है। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें, इसको हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। खैर, इसके बाद आती है एक्टिव थेरेपी। तो एक्टिव थेरेपी हम तब यूज़ करते हैं जब आपका बच्चा 7 साल से ऊपर का है और हमने मोटिवेशनल थेरेपी यूज़ कर लिया, जनरल मैनेजमेंट यूज़ कर लिया, 3 से 6 महीने हो गए, कोई इफेक्ट नहीं आया। तो एक्टिव थेरेपी का सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो अलार्म थेरेपी है। अलार्म इस तरह के अलार्म आते हैं, रेडीमेड आते हैं, अमेजन पे भी अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट भी अवेलेबल हैं, आपके डॉक्टर भी आपको दे सकते हैं। ये जो अलार्म होता है इसमें एक सेंसर होता है, ये अंडरगारमेंट्स या डायपर में हम लगा देते हैं और अलार्म तब बोलता है जब वेट हो जाता है, डायपर वेट हो गया या अंडरगारमेंट वेट हो गया तो अलार्म बजता है। अब आपको बच्चों को यहाँ पर ट्रेन ये करना है कि जब भी अलार्म बोले, अगर बड़ा बच्चा है तो उसको उठना होगा, अपने अंडरगारमेंट चेंज करने होंगे, अपनी बेडशीट चेंज करनी होगी और अलार्म को दोबारा लगा के सोना होगा। बच्चा जब ये चीज़ें बार बार रिपीटेडली करता है तो वो कोशिश ये करता है कि रोज़ रोज़ का झंझट है इस तरह से अलार्म पे उठना, तो कोशिश ये करें कि जैसे ही उसको थोड़ा सा मालूम पड़े वो उठ के अपना जो यूरिन है वो पास करके आ जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि रेगुलर इस तरह का अलार्म बोलता है, बच्चा उठता है तो बॉडी सेंसिटाइज हो जाती है उस सिग्नल पे। जो एक सेंसेशन होता है जब बच्चे को पेशाब लगती है या हमें आपको पेशाब लगती है, यूरिन लगती है, तो एक सेंसेशन होता है, उस सेंस को ब्रेन रीड करना शुरू कर देता है कि हाँ ये सेंस है तो हमें उठना पड़ेगा, अदरवाइज इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो अलार्म है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, लेकिन पहले ये सब ऊपर वाली थेरेपी आपको यूज़ करनी है, उसके बाद उस पर आना है। फिर आता है मेडिकेशन थेरेपी। मेडिकेशन थेरेपी में आपको ध्यान ये देना है कि ये जो मेडिकेशंस हैं, जैसे कि डेस्मोपेरेसिन है, आइमिप्रामिन है और ऑक्सीबुटेनिन है, ये जो मेडिसिन हैं, ये जो थेरेपीज हैं, ये थेरेपी ऐसी नहीं है आसान सी लिया है टैबलेट में खा लिया पैरास्टामोल, नहीं है, इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अलग अलग बच्चों में, अलग अलग एज पे, अलग अलग वेट पे, अलग अलग केसेस में अलग अलग डोजेस होती हैं, तो इनको आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है कि मेडिकल स्टोर से लिए बच्चों को खिला दिया, अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं और इनका जो ड्यूरेशन है वो भी आप डिसाइड खुद से नहीं कर सकते। तो ये जो ड्रग्स हैं ये लास्ट रिजॉर्ट है, सबसे लास्ट में काम आता है। मैंने अपनी पूरे प्रैक्टिस में, अपना जो अभी तक कैरियर है मेरे पेडियाट्रिक्स में, उसमें हार्डली मैंने 1 या 2 बार इसको यूज़ किया होगा और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बच्चे उन्हीं सबसे ठीक हो जाते हैं, उन्हीं सबसे इम्प्रूव कर जाते हैं। अब इसके बाद वो पॉइंट्स हम जानेंगे जिसमें आपको तुरंत अलर्ट होने की ज़रूरत है, डेंजर साइंस। सबसे पहला, आपके बच्चों को इन सिम्टम्स के साथ फीवर है। दूसरा, आपके बच्चे का वेट लॉस हो रहा है। तीसरा, आपके बच्चे का वेट लॉस तो नहीं हो रहा है बट वेट गेन भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा बच्चा पेशाब करते वक्त ज़ोर ज़ोर से रोता है। इसके अलावा बच्चा दिन में जब भी यूरिन पास करता है तो वो ड्रिबलिंग होती है, बूंद 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 टपकता है, पेशाब खुल के नहीं हो रहा है, या फिर पेशाब हो रहा है लेकिन बच्चा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, पेशाब आया और तुरंत पूरा निकल गया, रूम से लेके वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहा है। और बच्चा अगर इन सब सिम्टम्स के साथ स्नोरिंग कर रहा है, खर्राटे ले रहा है रात को सोते हुए, तो ये सब भी एक डेंजर साइन है। तो ये सिम्टम हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, अलर्ट हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा और भी जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं उसमें मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे कि टेंपर टेंट्रम यानी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, मिट्टी खाना, या फिर ब्रेथ होल्डिंग स्पेल यानी कि सांस रोक लेना, इस तरह की वीडियोस बना रखी है, तो जो प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन दी हुई है उसको ज़रूर देख लें। ये वीडियो पसंद आए तो उसे अभी तुरंत लाइक कर लीजिए, चैनल अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिसके बच्चे में ये प्रॉब्लम है उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए, उनके बहुत काम आ सकती है। अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें, देखते रहें हमारे चैनल। थैंक यू।